हिसार में गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल न्यू ऑन व्हील्स। कल रात का व्लॉग ऑफ नहीं कर पाया, बहुत टाइम हो गया था। रात को डिनर करते करते हाईवे पे डिनर कर लिया था हमने, फिर वहाँ पे 11 बज गए, फिर रूम में आके सब चेक इन कर लिया, ठीक है, तो टाइम ही नहीं मिला अपने को, ठीक है। फिर ये अपना पार्किंग प्लॉट था और द रूम्स एंड द प्रॉपर्टी वेयर वी आर स्टेइंग ना, इट्स अमेजिंग। उसका एक डिटेल रिव्यू, डिटेल प्रॉपर एक वीडियो में डालने वाला हूँ आपके इसके लिए, अगर आप आओ तो। इट्स रियली मस्ट रिकमेंडेड प्लेस है, बहुत अच्छा है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ से अपन जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, इट विल आई थिंक यहाँ से कुछ 25-1 किलोमीटर है, तो वो उधर जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ से अपना पूरा लाइनअप निकल रहा है, अभी आपको सीधा स्टैचू ऑफ यूनिटी पे मिलता हूँ। स्टैचू ऑफ यूनिटी में पहुंच गए, ठीक है। यहाँ से अभी स्कैनिंग करते हुए मैं निकला हूँ, बहुत दूर पार्किंग है, वो भी सब मैं बताता हूँ यहाँ पे सिस्टम क्या है, शॉर्टली बता दूंगा, ठीक है। अभी हम व्यूइंग गैलरी, ये यहाँ तक हम लोग ऊपर जाने वाले हैं उस ऑडिटोरियम से ऊपर लिफ्ट के थ्रू, ठीक है। ये यहाँ से उस यहाँ पे स्टैचू के यहाँ तक जाने वाले हैं ऑडिटोरियम से, तो पहले वो कवर कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको आजू बाजू का सब दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत बड़ा कैंपस है ये, यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट बने हुए हैं दोनों जगह पे, आप स्पीड में वहाँ तक जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत है चलने के लिए। और ये रोड था जिसके जहाँ से हम आए थे, यहाँ पे पूरा सीन है, ये ऊपर से भी दिखेगा आपको पूरा। चलो अपन 6 लोग इसमें जाएंगे, अभी अपन लिफ्ट में आ गए, अभी लिफ्ट जाएगी एकदम स्पीड में ऊपर। तो सीधा सीधा ऐसा व्यू है स्टैचू के चेस्ट से, ठीक है, जहाँ पे अभी अपन लिफ्ट के थ्रू इतना ऊपर आए, ये ऊपर से आपको पूरा ऐसा व्यू दिखेगा। और ये उसका गैलरी है कॉरिडोर, ये पूरा, ठीक है। वहाँ पे देखो अभी भी अपना ग्रुप दिख रहा है, फोटो सेशन चल रहा है, ठीक है। इसके यहाँ पे आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, देख रहे हो, ये ऐसे पूरा स्टैचू क्रिएट हुआ है, ये देखिए। और ये यहाँ पे कंटेंट चल रहा है ग्रुप का, ठीक है, वहाँ पे मेरी वाइफ, तो बस है ऐसा ही है सब, ठीक है। वहाँ पे भी एक सेम आप वहाँ उस साइड भी एक गैलरी, बट वो जस्ट वॉल है, बस देखने के लिए यहाँ पे ही है और कुछ नहीं। Come on.
तो ऊपर के व्यू के बाद ये नीचे ऑडिटोरियम है बहुत बड़ा। इधर आपको ऐसे हर चीज़ का कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिलेगा। यहाँ पे हर एक जो भी इवेंट्स हुए थे, ठीक है, इनके समय में, तो उसका पूरा डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे सब मिलेगा। जैसे ये है सत्याग्रह क्या है, ठीक है, ये देखो व्हाट इज़ अ सत्याग्रह, सत्याग्रह शू छे, तो ये सब है। ऐसे ऐसा बहुत कुछ है यहाँ पे इतना बड़ा ऑडिटोरियम में, ठीक है। कुछ ये आप देखो, ये पूरा ऐसे कुछ ना कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी बाहर मिलता हूँ आपको। हेलो, वो व्यूइंग गैलरी के बाद मैंने आपको सब बताया। उधर हमने फिर अभी थोड़ा टाइम स्पेंड किया, ठीक है। जितने भी वो डिस्क्रिप्टिव फ़ोटोज़ है वो सब देख रहे थे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, नीचे कुछ ना कुछ देखने, बहुत कुछ है देखने लायक, ठीक है। थिएटर भी है जिसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो इन डिटेल अबाउट द नर्मदा प्रोजेक्ट, अबाउट दिस स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, किसने किया, क्या है, इसके पीछे पर्पस क्या था, ऐसा बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती है, ठीक है। उस थिएटर में वो जो मैं बता रहा था आपको, तो वहाँ पे थोड़ी देर बैठे और आवाज़ से लग रहा होगा कि एनर्जी डाउन गया है पूरा। कल की राइड ही इतना हैक्टिक हो गया था, राइडिंग कुछ हैक्टिक नहीं था, बट टाइम लॉस हुआ उसकी वजह से अपना एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो गया जो आज के लिए अपन रखना चाहते हैं। तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा पैर दुख रहे और कुछ नहीं। तो कैंपस इतना बड़ा है तो क्या करें, इतने यहाँ से वहाँ तक चलना पड़ता है, कैंपस बहुत बड़ा कैंपस है, ठीक है। जो अभी यहाँ से जो दूसरे पॉइंट है अपन वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अभी जो भी इधर के इसके आजू बाजू के जो पॉइंट है वहाँ पे मिलते हैं अभी अपन। इसके ऊपर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का बेस है जहाँ पे आपको उसका पूरा ये दिखता है, उधर भी चलते हैं, वहाँ पे दो चार फोटोज़ देख के फिर दूसरे वाले पॉइंट पे और जाते हैं अपन। तो अभी ये स्टैचू के बेस पे आए, ऊपर बेस है, ठीक है। ये देखो पूरा स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ से, और इसके ऊपर जाना है, देखो एस्केलेटर है यहाँ, उधर उधर तक जाएंगे वहाँ तक, और वहाँ पे अपन गए थे। अब ये स्टैचू के बेस तक जाने का, ये नर्मदा रिवर, ये देखो व्यू पूरा। चलो आगे चलते हैं, और भी है अभी। और तो अभी ये स्टैचू के अपन बेस पे आ गए हैं। इतना जायंट है स्टैचू, इतना ऑब्वियसली वर्ल्ड बिगेस्ट है। आप उनका ये पैर का नग देखो, इतना साइज में कितना बड़ा बड़ा है। ये उनका सैंडल कितना बड़ा है, बाप रे। यहाँ से और आगे जाएंगे, और यहाँ पे व्यू है सब वो देख लेते जल्दी जल्दी। सो दिस इज नर्मदा रिवर अगेन। इधर से अच्छा, ये देखिए ये व्यू पे देखो, पेड़ देखिए कितने बड़े, बाप रे बाप। यहाँ से ये देखो, है ना, मस्त व्यू है। स्टैचू का मटेरियल मैंने, ये देखो आवाज, है ना, पूरा कॉपर से बना हुआ है इतना बड़ा स्टैचू। और आगे का भी फ्रंट व्यू देखो, यस, यहाँ से हम लोग आए थे चलते हुए, वो एस्केलेटर से, उधर का एस्केलेटर से आए, नीचे से, नीचे ये जो है व्यूइंग गैलरी का, व्यूइंग गैलरी का एंट्री था। अब वो नर्मदा प्रोजेक्ट पे भी जाने वाले हैं अपन, और दूसरा जर्मनी वाटरफॉल उधर जाएंगे। और अब तो आजू बाजू के जो कुछ पॉइंट्स है वो कवर करते हैं। यहाँ पे कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बन रहा है, ठीक है, और रात को भी यहाँ पे एक लेज़र शो है, वो भी एक मस्ट सी ऐसा पॉइंट है, ठीक है। तो वो भी देखेंगे अपन वहाँ पे। अभी अपना ग्रुप बैठा हुआ है, आराम कर रहा है, उनको बोला मैं आराम करो जरा, मैं भी 10 मिनट में देख के आता हूँ फटाफट, ठीक है, मिलता हूँ वापस।
अभी हम लोग आए नर्मदा डैम पे, ठीक है। ये देखो सामने जो डैम दिख रहा है, जहाँ पे हमारा बाइक पार्क था, जहाँ पे लॉकर था, वहाँ से आपको बस मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो आपको नर्मदा डैम, वैली ऑफ फ्लावर, ऐसे कुछ कुछ पॉइंट पे आपको फ्री में ड्रॉप करती है, पिकअप भी करती है। आगे देखते कैसा है। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। तो ये ऐसा है पूरा नर्मदा डैम, अभी बंद है, जब खुलेगा इसके, जब ये दरवाजे खुलते होंगे तो बहुत। यहाँ से स्टैचू नहीं दिख रहा है, स्टैचू से दिखता है ये, बट यहाँ से नहीं दिख रहा यहाँ पे। अभी ये सोचा है कि इधर ये विजिट करते हैं जंगल सफारी, ठीक है। तो अभी इसके अंदर जा रहे हैं अपन, ठीक है। सबने टिकट तो ले लिया, ऑलमोस्ट पूरा टीम ही जा रहा है। तीन चार लोग चले गए होटल पे, दे वर नॉट फीलिंग वेल, और कल के लिए थोड़ा और अच्छा एनर्जी गेन के लिए वो चले गए होटल, ठीक है। तो अपन चलते आगे, देखते अंदर क्या क्या देखने मिलता है अभी। तो अभी यहाँ पे जा रहे हैं अपन ओबर कार्निवर्स, अंदर कुछ एनिमल्स दिखेंगे, किसके कांच के केज में ना, ग्लास के केज में, हाँ ग्लास के केज में रखे हुए हम लोग। ये देखो यहाँ पे इसका ये सब दिया हुआ है। वो वहाँ पे ऐसा देखिए, हाँ वो गाड़ी आई, वो आपको पूरा फिर जंगल सफारी कराती है। देखते हैं उसमें भी, अभी हमने जो टिकट लिया है वो 200 रुपये का कुछ टिकट है, वो उसमें ऐड है क्या नहीं वो पता नहीं, वो देखते हैं। दिस इज सर्वल कैट, अभी तो सब प्राणियों का दिस इज सिल्वर फॉक्स ये देखो सामने एशियन लायन, एक इधर एक उधर सोए हुए दोनों, इतने धूप में कैसे सोए। वहाँ पे उनका पैर का पूरा शेप में बनाया हुआ है। अभी अपन ई वैन में बैठे और जंगल सफारी का मजा ले रहे हैं। और भाई लोग सब ठीक, आधा पब्लिक दूसरी वैन में गया है और आधा इधर है, सबका एनर्जी फुल उतर गया है, फिर भी चल रहा है। जोश है क्या? जोश है तुम्हारा, जोश तुमको मुबारक भाई। तो यहाँ पे अपने को कुछ दिखे हिमालयन गोरिल, ठीक है, बोर्ड से पढ़ के बता रहा हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है इसको। और देखो वहाँ पे कितने सारे बैठे हुए छाव में, और वहाँ पे वो उसको कुछ तो भी बारहसिंगा जैसा कुछ बोलते हैं ना, वो देखो उधर भी उसके हॉर्न देखो कितने बड़े बड़े, मतलब सब मिक्सअप है यहाँ पे। यहाँ पे भी कुछ है पर अभी दिख नहीं रहे, वहाँ पे हिरन है दो तीन। ये क्या बना है यहाँ पे, कुछ पता नहीं क्या है। चलो आगे जाते। और ये देखिए एक जिराफ देखने मिला उधर, ज़ेब्रास, क्या है वो ऑस्ट्रिच, हाँ नहीं नहीं ऑस्ट्रिच कहाँ है, वो उधर ऑस्ट्रिच है, हाँ वाइल्ड बीस। यहाँ पे भी है लामा, क्या लामा ही ना, अच्छा है यहाँ पे। अभी बस खत्म हो रहा है थोड़ी देर में, आगे देखते और क्या है। चलो भाई बैठते बगुना का।
अरे हे उड नरम आकडे का देखती आम्ही आहे.